नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi वाई थ्री पर कैमरा क्रैशिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपका जो है कैमरा यहां पर क्रैश कर रहा है ठीक है आपके डिवाइस पर तो उसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर क्या क्या है तो आज के इस वीडियो पर हम वही चेक करने वाले यदि आपको भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं ठीक है और अपना जो भी यहाँ पर कैमरा क्रैशिंग का प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक तो है, तो है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्रैशिंग का इशू है वो दोस्तों आते हैं आपके डिवाइस का लेगिंग की वजह से तो आप चेक कीजिए आपके डिवाइस पर ऐसा कोई एप्लीकेशंस है या नहीं है ठीक है जो कि बैर एप्लीकेशनस यहाँ पर आप कह सकते हैं तो अगर कोई भी बैड एप्लीकेशन आपके डिवाइस पर है तो उनको अन इंस्टॉल करें ठीक है तो बैड एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए सारे साथ दोस्तों आपकी डिवाइस पर यदि काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरेज आपने कंज्यूम कर दिया है तो उससे भी आपको ऐशू हो सकते हैं ठीक है तो आप वो सब एक बार चेक करें अन इंस्टॉल करें और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है आपको सेटिंग पर जाना है और इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है और अपना जो ऐप है उसको ओपन करना है उसके बाद दोस्तों आपको जाना है मैनेज ऐप पर मैनेज ऐप पर जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा कैमरा का ऑप्शन तो कैमरा पर जाके आपको करना है फोर स्टॉप क्लिक ओके और क्लियर डेटा पर क्लिक करते हुए क्लियर ऑल डेटा करना है और ओके करना है उसके बाद दोस्तों ऐप परमिशन पर जाना है सारे परमिशंस अलाउ कर देना है ठीक है अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है ऊपर यहाँ पे जाना है अबाउट फ़ोन पर अबाउट फोन पर जाके स्टोरेज को ओपन करें और अपने डिवाइस खेच को क्लियर कर दें डिवाइस खेच आप जैसे ही क्लियर करोगे आप दोस्तों डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिए चेक कीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है बाई एनी चांस यदि क्रेशिंग का प्रॉब्लम दोबारा से आते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करती है आपका इस तरह का इशू फ़िक्स हो जाते हैं ठीक है तो बस सिंपल सा प्रोसेस और सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका इशू डेफिनेटली फ़िक्स हो जाएगा ठीक है आप चाहे तो दोस्तों फैक्ट्री रिसेट के लिए भी जा सकते हैं यदि आपका प्रॉब्लम एकदम फिक्स नहीं हो रहा है ठीक है तभी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं वरना दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह और यह सब जो सोल्यूशन मैंने आपको दिया है इस वीडियो पर उससे आपका काम बन जाएगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद न होगा आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग